इनको लग रहा है कि जबकि मोदी साहब देश के विकास को लेकर पूरी दुनिया के देशों को इनवाइट कर रहे हैं कि वो काम करने आए तो अब इनको लग रहा है कि इनकी जान बचेगी तो गुजरात मॉडल पर वो सच्चाई थी अब ये नौटंकी करके ये देश को दिखाना चाहते हैं मोदी जी तो जो योजनाएं लेकर आते हैं उन योजनाओं को अगर अक्सर स लागू कर दें तो भारत का जो मिशन है दो तक विकसित भारत बनने का वो दो में ही बन जाए ये लोग टोड़े अटकाते हैं आप दिल्ली में ले लीजिए इस बंगाल में भी ले लीजिए अगर गरीब आदमी को अगर आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल जाए तो उनका क्या जाएगा लेकिन क्योंकि मोदी साहब योजना लेकर आए हमने लागू नहीं करनी है इसी प्रकार से वहां पर बंगाल के अंदर गैस की पाइपलाइन डालनी है परमिशन नहीं मिलती है हाईवेज बनाने हैं काम रुके पड़े हैं राज्य सरकार लैंड एक्वायर करके नहीं दे रही है तो अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए और लोगों से सिंपे लेने के लिए नौटंकी करने के लिए मुझे लगता है दिल्ली में लोग आ रहे हैं देखो आज भी अगर दो सौ पॉल्यूशन क्यू आर है तो वो है मोदी साहब के कारण ईस्टर्न वेस्टर्न पेरीफिल के कारण से केजरीवाल के कारण से नहीं है एक स्मोक टावर क्रॉट पे लगा था वो आज तक बंद पड़ा हुआ है उसकी सर्विस ही करवा लो केजरीवाल साहब जबकि साथ लगाने के लिए प्रॉमिस किया था केजरीवाल साहब ने और अब केजरीवाल को देखना अब पंजाब नहीं बोलेंगे वो पंजाब में उनकी सरकार है अब सारी पराली सारा पॉल्यूशन हरियाणा से केजरीवाल बोलेगा जी तो देखो केजरीवाल साहब को अब लोग मान चुके हैं वो एक्सपोज हो चुके हैं कि उनकी कथनी और करनी क्या है और दिल्ली को केजरीवाल साहब ने जो बर्बाद किया है दिल्ली की अनियमित कॉलोनी से लेकर दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में गरीब आदमी रहने वाले से लेकर लॉलीपॉप तो देने का काम किया है 200 सौ इंट बिजली फ्री डीटीसी में मैं फ्री चलवाऊंगा लेकिन कितनी डीटीसी की बसें दिल्ली में रह गई हैं शर्म आती है कहते हुए हजार से ज्यादा बसें डी की दिल्ली में नहीं बची हैं जो चलती हैं दिल्ली में जहां भी जाम लगा मिलेगा आपको लगेगा कि डी की बस आगे खड़, खड़ी खराब मिलेगी आपको इसलिए जाम लग रहा है दिल्ली के अंदर तो केजरीवाल साहब कुछ भी लागू कर ले कैसे भी लागू कर ले बधाई अगर इतनी उनको सुदबुद्धि आ गई है तो यमुना की तरफ भी देख ले यमुना कैसी बह रही है केजरीवाल साहब ने डुबकी लगानी थी अब डुबकी लगाएंगे नहीं लगाएंगे देखेंगे केजरीवाल साहब में बोला था डुबकी लगाऊंगा आने वाला है महीने बाद देखो ये तो पार्टी की चुनाव समिति बताएगी मेरे विषय नहीं है उसमें और न मैं उस सिस्टम में हूँ हम चुनाव में सहयोग करने के लिए हमारी पार्टी में हर राज्य से जब चुनाव होते हैं सभी पार्टियों में हमारी पार्टी में नहीं इससे पहले मैं पश्चिमी बंगाल में था उसके बाद कर्नाटक में हासन डिस्ट्रिक्ट में रह के आया आयु मैं एक सवा महीने उससे पहले मैं उत्तर प्रदेश में चुनाव में प्रभारी के रूप में रहा हूं उससे पहले हिमाचल में मैं रहा हूं मंडी की दस सीटों पर उत्तराचल में खडूरी साहब चुनाव लड़े थे आज से पंद्रह साल पहले उसकी सीट का इंचार्ज में रहा हूँ एक कार्यकर्ता के नाते होने के नाते हमारी विचारधारा चुनाव जीतने के लिए लड़े जाते हैं हमारी पार्टी जीते सहयोग करने के लिए कार्यकर्ता जाते हैं मैं भी उनमें से गया हूं तो हम चुनाव में सहयोग चुनाव लड़ेंगे कार्यकर्ता कैंडिडेट के सहयोग के लिए जा रहे हैं वो वहां की चुनाव समिति और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि टिकटें कब तय हो जाएंगी कब नहीं होंगी उसके बारे में हमारा कोई विषय नहीं है, तो जी, लगता है कि न कहीं एक पिछली पिछली बार भी मैं दौसा दौसा में में था सचिन पायलट पायलट जी के पिताजी राजेश सांसद बने थे तो वो भी सीट उनकी मानी जाती थी अलवर में मैं पिछली बार मेरे पे काम था चित्तौड़गढ़ में था जयपुर शहर का जयपुर बाहर आउटर का था ये पांच डिस्ट्रिक्ट पिछली बार मेरे पे थे और चार महीने में रहा हूँ और जैसे मैंने पहले कहा है कि दस राज्यों में मैं चुनाव में कार्य देखता रहा हूं लेकिन कांग्रेस के पास अब कोई जवाब नहीं है कि सचिन पायलट जी को अध्यक्ष बनाकर मुख्यमंत्री के चेहरे की लॉलीपॉप देकर गुजर वोटों को ठगने का, का काम किया था गुजरों को चीट किया है कांग्रेस ने तो गुजर गैरतबंद कौम है अब वो इसका जवाब तो हिसाब तो करना पड़ेगा ना कांग्रेस को गुजरों को तो गुजर अपने आप कांग्रेस का हिसाब करेंगे कि क्या आप सचिन पायलट को मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर रहे हैं कांग्रेस से पहले यह पूछा जाएगा और अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं तो गुजर क्यों कांग्रेस को वोट देगा जी पिछली बार आपने ले लिया और डिश कर दिया धोखा दिया है तो गुजरों को लगा कि हमारा आज तक देश में कहीं को मुख्यमंत्री नहीं बनाया सचिन जी बन जाए राजेश के बेटे वो नहीं बना कांग्रेस ने डिच किया उनको अब उसका बदला गुजर लेगा निश्चित रूप से हंड्रेड वन परसेंट राजेश पायलट के बेटे को अगर कांग्रेस सचिन पायलट को अपनी भूल को सुधार कर मुख्यमंत्री घोषित करेगी तो एक बार को गुजर सोच सकता है वोट किसको देनी किसको नहीं देनी है लेकिन गुजर तो रमेश विधूड़ी जाए रमेश दिधूडी ना जाए कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए राजस्थान में तैयार बैठा हुआ है और जहां तक टोंक का सवाल है सचिन पायलट जी की कोई वो पुस्तैनी को सीट नहीं है पिछली बार पहला ही चुनाव लड़े थे मुसलमान ही टिकाने को बैठे कि हमेशा से वो मुसलमान सीट रही है और मुसलमानों को लगा हमारी एक सीट चली गई है तो इसीलिए अब हम अपनी सीट को क्यों ना दोबारा वापस रखेंगे तो मुझे तो लगता नहीं मुसलमान ही सचिन पायलट को वोट नहीं देगा और कांग्रेस गुजरों को तो वास्तव में वोट नहीं देनी चाहिए क्योंकि अगर सचिन पायलट को डिक्लेयर नहीं किया सीएम तो बनना तो है ही नहीं कांग्रेस को जिता दे तो कौन सा बन जाएगा तो कौन सा बन जाएगा तो इसीलिए गुजर बीजेपी को ही वोट देगा 25 साल के पहले पुराने इतिहास में पिछले चुनाव को छोड़कर ट्रेडिशनली गुजर कम्युनिटी बीजेपी को राजस्थान में वोट देती रही है साल से ऐसा उम्र का लोग सठिया जाते हैं सत्तर साल की उम्र हो गई होगी गहलोत साहब की सत्तर साल की उम्र में पचास साल से वो राजनीति में नजर आ रहे होंगे पैतालीस साल से राजनीति ये योजना तब याद क्यों नहीं आई इनको ये अगर जनहित की योजना तो कांग्रेस चालीस सीट पे थोड़ी टिकती सेंटर के अंदर तो उनकी जो योजना है ये मोदी जी की योजनाओं की नकल ही है हेल्थ कार्ड दिए जा रहे हैं कहीं चाहे वो पश्चिमी बंगाल में चाहे वो राजस्थान में दिए जा रहे हैं चाहे छत्तीसगढ़ में दिए जा रहे हैं वो सब मोदी जी की ही नकल करके दिए जा रहे हैं गरीबों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो मोदी जी ने नियम बनाए थे जो कानून बनाए थे उनके अनुसार गरीबों के काम हो रहे हैं मोदी साहब लॉलीपॉप देकर वोट लेकर चीट करके सरकार में नहीं आते हैं, वो जो कहते हैं करके दिखाते हैं मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है चौदह में कहा मोदी साहब ने साढ़े बारह करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना टॉयलेट उज्ज्वला योजना से साढ़े नौ करोड़ लोगों को कनेक्शन चार करोड़ लोगों को परिवार को मकान करोड़ लोगों को स्वयं से लोन किसानों को किसान सम्मान निधि छह हजार रूपए की मदद मेरी सरकार गरीबों को समर्पित है वो मोदी साहब ने करके दिखाया है नमस्कार मैं हूं मानक गुप्ता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ ट्वेंटी